सो गाइस, आज हम कंपनी लोगों के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपनी के मीनिंग के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो वर्ड कंपनी है विथ टू लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, और ये है कंपनीज। और ये टू लेटिन वर्ड क्या है? कॉम प्लस पेनीज। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, पेनीज का मतलब होता है ब्रेड, ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर। सो अब हम इसकी डेफिनेशन, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। डेफिनेशन देख लेते हैं कंपनीज की। गाइज, अब इसके अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी है, इसके अंदर जो डेफिनेशन वर्ड की जो स्पेलिंग होती है मोस्टली रॉन्ग लिखते हैं हम सब लोग, तो मैंने इसलिए जानबूझ के एडिट करो। कई बार जहाँ पे टी ए लगा देते हैं, कई बार यहाँ पे एन ए लगा देते हैं, जबकि रियल जो है गाइज वे डेफिनेशन की स्पेलिंग है डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन। सो गाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन अवेली है एल ए हैनी की, और एल ए हैनी की डेफिनेशन लेने के पीछे कारण क्या है वे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद ए पर्सन परपीचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, एंटिटी विद ए परपीचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की गाइस, किसकी? कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वे है गाइस इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, और जैसे कि आप देख सकते हो डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने लिख रखी है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हमारी डेफिनेशन के अंदर भी है। सो अब हम देख लेते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है क्या। ए कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन एग्जिस्ट टिल सच टाइम एज इट इज रिकॉग्नाइज बाय लॉ। इट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर ए एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसी भी कंपनी का गाइज? हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा अर्न प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कोई चैरिटी फंड के लिए कोई कंपनी खोल रखी है। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या है कि एक तरीके से ना कंपनी जो होती है वे एग्जिस्ट करती है एक टाइम के लिए, रिकॉग्नाइज करी जाती है, वे भी किसी लॉ के अंडर की जाती है, इसलिए ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं गाइज। सो गाइज, जेरा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस अगर बैंकिंग के अंदर है तो उसके अंदर कम से कम भी कंपनी के अंदर 10 मेंबर्स होने चाहिए, और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है अगर अदर बिजनेसेस का तो उसमें मिनिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए। फिर देख लेते हैं हम एक आर्टिफिशियल पर्सन है, या आर्टिफिशियल पर्सन भी जो है हमारे डेफिनेशन के अंदर था। अब आर्टिफिशियल पर्सन से क्या मतलब है? ऐसा तो होता नहीं कि कंपनी कोई भी एक नेचुरल बर्थ होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियली क्रिएट करी जाती है किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी एक एसोसिएशन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। सो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं इट इज़ इनविजिबल। ऐसा तो होता नहीं कि कंपनी विजिबल होती है, कंपनी की बिल्डिंग विजिबल हो सकती है पर कंपनी विजिबल थोड़ी होती है, कंपनी को एक पर्सन थोड़ी होती है। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल भी है क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं है कि हम उसे छू सकते हैं। मान लो मैंने अपने दिमाग में एक कंपनी बना दी, उसको रजिस्टर भी करवा दिया, अब उसका कोई ऑफिस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप एक बात बताओ इनटेंजिबल कैसे, वो इनटेंजिबल ही होगा, वो टेंजिबल कैसे होगा? इमोर्टल, वे कंपनी की कोई मरने की या जीने की वे नहीं होती। हम टाटा ग्रुप को ही ले लेते हैं, अब हमारे जब रतनलाल टाटा जब एक्सपायर, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट जब भी एक्सपायर होंगे तो ऐसा थोड़ी टाटा कंपनी बंद हो जाएगी, टाटा कंपनी को चलाने के लिए कोई और बंदा आ जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन, ये मैंने पहले बताया आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्योंकि इट हैज़ नो बॉडी नो सोल सफर्स नो पेन एंड नो एंजॉयमेंट। कंपनी को लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लेकिन कंपनी को ऐसी कोई परमानेंट बॉडी नहीं होती, कोई कंपनी की सोल नहीं होती, कंपनी को कोई पेन नहीं होता और कोई भी एंजॉयमेंट नहीं होती। इट कैन नॉट गेट मैरिड और बिकम ए प्रोफेशनल लाइक ए डॉक्टर और लॉयर। ऐसा तो होता नहीं है गाइस कि कंपनियों की शादियां होती हैं या फिर कंपनी कोई एक डॉक्टर या लॉयर के जैसे कोई प्रोफेशन हो। कंपनी से कंपनी, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं बट कंपनी कोई प्रोफेशन नहीं होती है, कंपनी कोई मतलब प्रोफेशन नहीं कर सकती है। फिर हम देख लेते हैं परपीचुअल सक्सेशन। अब परपीचुअल सक्सेशन भी हमारे डेफिनेशन के अंदर है गाइस, इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन ली थी। अब परपीचुअल सक्सेशन के अंदर क्या है? इट एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन डेट ऑफ इट्स शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स, द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर माइट चेंज बट द कंपनीज गोज ऑन। अब ये एक मैप है गाइस, देख लो एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी की मेंबर की डेथ हो जाए, कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंस हो जाए मतलब पागल हो जाए, लूनेटिक हो जाए, कुछ दिमागी रूप से पागल हो जाए, कह सकते हैं अनसाउंड हो जाए, तो उसका जो होता है असर नहीं पड़ेगा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। परपीचुअल सक्सेशन,
इससे यही समझ में आता है गाइस हमें कि कंपनी किसी भी एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। वे मेंबर चेंज हो जाएगा, मान लो आपको एम्प्लॉई है वे अच्छा काम नहीं कर रहा जिसके कारण कंपनी घाटे में जा रही है, तो वह एम्प्लॉई चेंज हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे बात चल रही थी परपेचुअल सक्सेशन की, तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बाकी चीज़ें तो बताई दी हैं, इसमें अब ये नीचे एक लाइन है, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वे है सेपरेट लीगल एंटिटी, एज पर ला द कंपनी एक्वायर्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनर्स। आपको लाइन से ही समझ में आ गया होगा, जो कंपनी जो है वे एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये नहीं होता कि कोई एक बंदा ही कंपनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, हाँ उसका प्रोपराइटर हो सकता है, उसका फाउंडर हो सकता है, उसका को फाउंडर हो सकता है, बट कंपनी से वे अलग होता है। कंपनी उसकी हो सकती है, वे कंपनी का मालिक हो सकता है, बट वे कंपनी से अलग होता है, कंपनी अलग होती है और एक इंडिविजुअल जो होता है वे अलग होता है। यही बात है सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर। अब हम एक केस देख लेते हैं, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, मिस्टर ली इज ए क्वालिफाइड एयर पायलट, आपको समझ में आ गया, ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें बताने की, फॉर्म्ड ए कंपनी नेम्ड लीज एयर फार्मिंग कोऑपरेटेड लिमिटेड विद 3000 शेयर्स। ठीक है गाइज, इन द आर्टिकल्स इट वॉज मैंशन डेट चीफ पायलट विल रिसीव सैलरी हु इज मिस्टर ली हिमसेल्फ, डेथ ऑफ मिस्टर ली इन प्लेन क्रैश, मिस्टर ली की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, मिस्टर ली एक पायलट थे, चीफ पायलट थे अपनी ही कंपनी के अंदर, और प्लेन क्रैश्ड, विडोड वाइफ क्लेम्ड फॉर द पेंशन ऑफ 2,400 pounds एज पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। गाइस इसके अंदर मिस्टर ली एक कंपनी के अंदर काम करते थे, वे उसके ओनर थे, वे एज एन एम्प्लॉय काम करते थे और उनकी डेथ हो जाती है प्लेन हादसे के अंदर, तो मिस्टर ली की वाइफ जो है कंपनसेशन क्लेम करती है एम्प्लॉय में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मिस्टर ली वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड रिफ्यूज टू पे एम्प्लॉय कंपनसेशन, लेकिन कोर्ट कहता है कि मिस्टर ली एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी अलग, इसलिए कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ता है मिस्टर ली को। सो गाइज अब हम कोर्ट वर्डिक्ट देख लेते हैं, मिस्टर ली वॉज एन एम्प्लॉय एज ए पायलट एंड ऑन द डे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड ली एंड द कंपनी बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, थस इंश्योरेंस कंपनी वुड बी लाइबल टू पे, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन सील, कॉमन सील भी गाइज हमारी डेफिनेशन के अंदर अच्छे से मैंशनड है ये पॉइंट। अब हम कॉमन सील के बारे में बात कर लेते हैं, इट इज मैंडेटरी अंडर लॉ डेट एवरी कंपनी मस्ट हैव ए कॉमन सील। कॉमन सील बेसिकली गाइज एक स्टैंप और सिग्नेचर को ही कहते हैं कि स्टैंप मार के उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, वे कॉमन सील होती है किसी भी कंपनी की, विद इट नेम्स ग्रेव इनग्रेव्ड अपॉन इट। कोई भी कंपनी है मान लो टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी का नाम उस स्टैंप के ऊपर तो ग्रेव्ड होगा ना, उसकी जो स्टैंप पैड होगी एग्जाम्पल के तौर पर, द पर्सन एंड द पर्सन साइंड सच डॉक्यूमेंट विल बी पर्सनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मान लो गाइज टाटा कंपनी के अंदर कोई भी एक इंप्लॉई है वे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करता है, तो उस साइन का जो साइन किया उसका वे पर्सनली बंदा लाइबल होगा ना, कि ऐसे कि कंपनी है, कंपनी लाइबल होगी टिल ए लिमिट, उसके लिमिट से बियॉन्ड चला जाएगा, जब वे अल्ट्रा वायरस कर देगा तो उसके अंदर कंपनी लाइबल नहीं होगी, वे पर्सनल इंडिविजुअल लाइबल होगा। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, आप सभी को पता है कंपनी कोई भी एक सिटीजन नहीं होता है, कंपनी ये जो सिटीजन एक्ट ऑफ 1955 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वे क्लियरली मैंशन करता है कि कंपनी कोई भी एक सिटीजन नहीं है इंडिया के अंदर। सो कंपनी हैज नेशनलिस्ट एंड रेजिडेंस, कंपनी जो एस्टैब्लिश की जाती है जुडिशियल डिसीजन दिया गया है, कंपनी कैन नॉट बी ए सिटीजन येट इट हैज नेशनैलिटी डोमिसाइल एंड रेजिडेंस। कंपनी को एक सिटीजन नहीं हो सकती, बट कंपनी किस कंट्री की है उस कंट्री के अंदर उसका डोमिसाइल होगा, रेजिडेंस होगा, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन जो होगी उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, वे सभी चीज़ें होंगी, इसकी नेशनलिटी होगी, डोमिसाइल होगा, रेजिडेंस होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। गाइस आप सभी को ये बात तो नॉर्मली बताओ क्योंकि आज के दिन स्टॉक हर कोई यूज करता है, द शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हर कंपनी के लगभग शेयर्स होते हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती है प्राइवेट कंपनीज से अलग जो होती है उनके जो शेयर होते हैं वे मूवेबल है, वे आपस में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो अब हम एक और पॉइंट देख सकते हैं, कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड इन इट्स ओन नेम, तो ये एक और पॉइंट है, और वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।